दूसरे ओडीआई मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ने रचा इतिहास। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, तो वहीं लास्ट में संकट मोचन बनकर के आए शिवम दुबे। सुरेश अय्यर ने भी मैदान पर कोहरा मचा दिया। भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैदान पर कहर बरसा दिया और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। भारत वर्सेज श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला और भारतीय टीम के शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को इस कदर धूल चटाई जिसको देखकर सुनकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज श्रीलंका के बीच दूसरे ओडीआई मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर हमारी भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल कूद पड़े। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगन चुमते छक्का ठोक दिया। श्रीलंका के गेंदबाज समझ गए आखिरकार यहां पर कुछ तो होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की आंखों पर खून खोल रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 10 रन बना दिए। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में वर्ल्ड कप की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी देख करके 2023 के मैच की याद आ गई और इन दोनों शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं चौथा ओवर लेकर के आए श्रीलंका की तरफ से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज, जो मन में यही सोच करके आए थे कि हम हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को यहां पर अपने ओवर में आउट कर देंगे, शायद ये उसकी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल रही, क्योंकि तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर गदर मचा रही थी, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के घातक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए भीषण तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर 5वां ओवर लेकर के जब यहां पर श्रीलंका के गेंदबाज आए तो मैदान पर 5वें ओवर की 6 गेंदों पर शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक तरीके से 3 छक्के 2 चौके ठोक दिए, लेकिन फिर भारतीय टीम को 7वें ओवर की 4थी बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया। जब घातक विस्फोटक बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल, लेकिन अब यहां पर शुभमन गिल आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 7वें ओवर में ही यहां पर 52 रन ठोक दिए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज यहां पर विराट कोहली की। विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा और 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके ठोक दिए। आप सभी को बता दें विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए भीषण तरीके से श्रीलंकाई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। विराट कोहली काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे, तो वहीं हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी जो भी देख रहा था उसके पसीने छूट रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और बल्ला एकदम हवा हवाई में चल रहा था। श्रीलंका के कई गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार यहां पर रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से यहां पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों का करियर खत्म कर रहे थे, तो वहीं यहां पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में रोहित शर्मा की बैटिंग देखते हुए लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली श्रीलंका के गेंदबाजों की नींद उड़ा रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे गेंदबाजी करें तो करें कैसे, ये दोनों विस्फोटक खतरनाक शेर काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में कहर बरसा रहे हैं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि लगातार 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली भी काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 21वें ओवर की 6 गेंदों पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने फिर 6 छक्के ठोक दिए और युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौतम गंभीर
भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर युवराज सिंह खड़े खड़े देखते रहे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देख करके तालियां बजाने लगे। ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर भी एक बार देख करके हैरान रह गए। हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। गेंदबाज और कप्तान एक दूसरे के पास बार बार जा रहे थे और यही प्लान बना रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा को कैसे आउट करें। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी धीरे धीरे कोहराम मचा रही थी। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 25वें ओवर तक जाते थे 128 रन ठोक दिए और अभी भी नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर गदर मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रेड गड्डी विराट कोहली भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में श्रीलंकाई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लगा। ये बात 28वें ओवर की जब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 248 रन ठोक करके आउट हो गए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आए। जी हां, शिवम दुबे ने मैदान पर कदम रखा और तूफानी विस्फोटक अंदाज में चौके से शुरुआत की। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी श्रीलंका के गेंदबाजों को धोने में, तो वो शिवम दुबे ने आकर के पूरी कर दी। शिवम दुबे ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी की। तो वही भारतीय टीम को 32वें ओवर की चौथी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब 98 यानी कि 98 रन ठोक करके भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज यानी कि टीम इंडिया के रेड की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे यानी कि श्रेयस अय्यर काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है। मैदान पर आते ही श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे दोनों विस्फोटक शेयरों ने मिलकर के एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से श्रीलंकाई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक दिए। यहां पर श्रेयस अय्यर ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से 32वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपने बल्ले को लहराते हुए भीषण तरीके से यहां पर 38वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और एक चौका ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह अकड़कर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाज पहले रोहित शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की बल्लेबाजी से परेशान थे, तो वहीं श्रेयस अय्यर और अब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने नाक में दम कर दिया था। इन दोनों विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ा डाले। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों की बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब 40वें ओवर की शिवम दुबे जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए विकेट कीपर केएल राहुल ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की। अब हर किसी को लग रहा था कि विकेट कीपर केएल राहुल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन विकेट कीपर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। 8 रन ठोक करके यहां पर 42वें ओवर की चौथी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर यानी कि विकेट कीपर केएल राहुल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए मैदान पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 45वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा रनों का जो है स्कोर खींचा लास्ट में और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने 50वें ओवर तक जाते जाते 948 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर चुके थे तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम आई। जी हां, काफी खतरनाक विस्फोटक श्रीलंका की टीम जो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आई, तो श्रीलंका की टीम काफी खतरनाक विस्फोटक तरीके से पहले ओवर में शानदार तरीके से 2 छक्के और 1 गगनचुंबी चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह काफी ज्यादा हैरान और परेशान रह गए क्योंकि उनके ओवर में 14 रन बन गए। दूसरा ओवर लेकर के आए कुलदीप यादव ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए विकेट चटका दिया और एक श्रीलंका के गेंदबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं तीसरा ओवर लेकर के आए मोहम्मद सिराज ने 8 रन दे दिए। चौथा ओवर लेकर के आए जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 21 रन दे दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने फिर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटकाया। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान थे। 11वें ओवर तक श्रीलंका की टीम के सिर्फ 2 ही विकेट गए थे। यहां पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान परेशान थे। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी और मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर गेंदबाजी करनी स्टार्ट कर दी। तो 18वें ओवर की 6 गेंदों पर मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन तरीके से 2 विकेट चटका दिए। जसप्रीत बुमराह ने आते ही मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में 25वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और श्रीलंका की टीम को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 4 और यहां पर रवि बिश्नोई ने 3 और यहां पर अक्षर पटेल और यहां पर हर्षदीप सिंह 2-2 विकेट चटका दिए। यहां पर भारतीय टीम ने हमारी काफी बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।